जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की हिंदी व्याकरण की जो कक्षा है वो स्टार्ट हो चुकी है। सभी लोग फटाफट से लाइव आ जाएं और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं जिनके उत्तर आपको बताना है, ठीक है। तो जो भी साथी MPTET एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जेल प्रहरी की कर रहे हैं, MPSI और MP पुलिस की कर रहे हैं और साथ ही CTET की कर रहे हैं, उनमें हिंदी जरूर पूछी जाती है। तो हिंदी के लिए आप तैयार रहें, हिंदी व्याकरण के लिए तैयार रहें। सभी लोगों को फटाक से वीडियो को लाइक करके शेयर करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आपका जो पहला प्रश्न है दोस्तों, शब्द भाषा की कैसी इकाई है? शब्द भाषा की कैसी इकाई है? स्वतंत्र है, सार्थक है, स्वतंत्र एवं सार्थक है, एवं या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो प्रश्न क्रमांक 39 का आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपसे बनता है तो उत्तर बताना है और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा शब्द जो है भाषा की कैसी इकाई है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मंगल जी, स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है, ठीक है ना। तो विकल्प नंबर जो सी है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर का। अगला क्वेश्चन देखो, निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं? जो निश्चित अर्थ प्रकट करते हैं ऐसे वर्ण समूह को क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है, ध्वनि, स्वर या फिर शब्द कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑल इन वन। प्रश्न क्रमांक 40, जो निश्चित अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो यहां पर क्या दिया है? वर्ण समूह को, वर्ण समूह को कहा जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा शब्द, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शब्द शक्ति का प्रकार नहीं है। तो क्या नहीं है शब्द शक्ति का प्रकार? अभिधा, तत्सम, व्यंजना या फिर लक्षणा? बिल्कुल सरल आंसर, तो प्रश्न क्रमांक 41 का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों शब्द शक्ति आपने पढ़ी है, अमिदा पढ़ी है, लक्षणा पढ़ी है, व्यंजना भी पढ़ी है, लेकिन तत्सम ये शब्द होते हैं, तत्सम तद्भव है ना, ये शब्द के प्रकार हैं। तो आपका बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर ये प्रकार नहीं है और बी नंबर बिल्कुल सही बताया। नेक्स्ट है, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? प्रयत्न के आधार पर बताना है आपको, पार्श्विक है, उत्क्षिप्त है, प्रकंपित है या फिर संघर्षशील है? प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? पार्श्विक, यानी कि जो ए नंबर है बिल्कुल सही है, ठीक है, ला पार्श्विक ध्वनि होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है, तो कौन सी है? हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण और ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन सी है? विकल्प नंबर 1, 2, 3 या फिर 4? घोष भी है, महाप्राण भी है, ओष्ठ भी है, वो ध्वनि कौन सी हो जाएगी? 43। हाँ, CTET एग्जाम नहीं होगा और प्रश्न क्रमांक 43 का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आधा भा जो है ना, ए जो है स्पर्श घोष भी है, महाप्राण भी है, ओष्ठय भी है, तो ए नंबर जिन्होंने भी बताया है पूजा देवी जी, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते, निम्न में से कौन सा अमात्रिक है? 44 का उत्तर बताना है आपको, जिसमें मात्रा नहीं है, अमात्रिक, अमात्रिक कौन सा है? तब आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रियंका जी, विकल्प नंबर सी, कलरव, ये क्या है? अमात्रिक शब्द है, ठीक है, सी नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो,
अगला क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, कौन सा शब्द शुद्ध है, शुद्ध शब्द बताना है, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका, अतियोक्ति, कवित्री, अनुगृहीत या फिर पक्षीगण, कौन सा शब्द शुद्ध है कुसुम सैनी जी? तो 45 का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कवित्री, है ना, यानी कि आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 45 का वी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शुद्ध शब्द बताना है हमें फिर से, पुरस्कार, सामर्थ, ब्राजी या फिर पूज्य, तो शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा 46 में, आंसर बताना मनोज जी। 46 का उत्तर, तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, सामर्थ, वी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, शुद्ध शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 47वां, बसंत से, बसंत के चार पर्याय दिए गए हैं, इनमें से त्रुटिपूर्ण कौन है, बसंत के चार पर्याय दिए हैं, त्रुटिपूर्ण कौन सा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 47 है ना, तो प्रश्न क्रमांक 47 का उत्तर बनाना है, एमपी टेट में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे एमपी टेट कैंसिल होने का कोई वो हो, क्योंकि एमपी टेट में तो बिल्कुल क्या होता है, इसमें डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग तो पहले ही सी रहती है। बसंत के चार पर्याय दिए गए हैं, इनमें त्रुटिपूर्ण कौन है, प्रश्न क्रमांक 47। वेरी गुड, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी, कांतार, है ना, वेरी गुड, डी नंबर सभी लोगों ने बताया, एस के शिवानी जी, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग है, किस शब्द में उपसर्ग है, लालिमा, पराजय, दशक या फिर कारीगरी, फोर्टी एट, किस शब्द में उपसर्ग है, बिल्कुल रुचि वर्मा जी, 48 का आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, पराजय, है ना, यानी कि जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, योगरूढ़ शब्द कौन है, योगरूढ़, रूढ़, योगरूढ़ और योगिक, ये शब्द आपने पढ़े हैं, तो योगरूढ़ शब्द कौन से हो जाएंगे, योद्धा, दशानन, राक्षस या फिर सुर, तो प्रश्न क्रमांक 49 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, जो योगरूण शब्द हैं बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण होते हैं वो कौन से शब्द होते हैं, योगरूण शब्द होते हैं, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर बी दशानन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, दशानन बी नंबर। अगला देखो, शुद्ध युग्मों में से कौन सा असंगत है, असंगत, अफसोस, फारसी, कैची तुर्की, गमला पुर्तगाली, कारतूस अंग्रेजी, तो कौन सा है असंगत, 50 का आंसर बताना है हमें। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कारतूस जो है अंग्रेजी, ये क्या है, असंगत है, ठीक है, डी नंबर 50 का आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ज्योति जी, निधि जी। अगला क्वेश्चन देखो, जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है, 51, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता ही नहीं चलता उन्हें कहा जाता है देशज, है ना, देशज कहा जाता है, और सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है, देशज शब्द। अगला है, अधिकृत शब्द का विलोम क्या होगा, अधिकृत का विलोम, 52 को आंसर,
तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, विलोम बताना है यहां पर, तो उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों आपका वी, अनधिकृत, है ना, अनधिकृत बी नंबर सही होगा यहां पर, ठीक है, 52 का वी। अगला स्टेशन किस भाषा का शब्द है, स्टेशन, आप लोग जाते ना स्टेशन, वो स्टेशन है दीपश्री जी, स्टेशन किस भाषा का शब्द है, तो 53 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, कौन सा है, स्टेशन है अंग्रेजी भाषा का, यानी 53 का वी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हवा का पर्यायवाची नहीं है बताना है, पर्यायवाची नहीं है तो कौन सा नहीं है, वायु, वायार, समीर या फिर ध्वज, तब आपका बिल्कुल सही आंसर है, हवा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, वायु भी है, समीर भी है, बयार भी है, लेकिन कौन सा नहीं है, ध्वज, ध्वज यानी कि जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ध्वज नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं, गलत बताने किसके हैं, कमल के, जलज, पंकज, सरोज, पुष्प के, कुसुम, फूल, सुमन, सरस्वती के, गिरा, भारती, वाणी, सूर्य के, दिवस, याम, वासर, तो यस जी बताना है किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं, तो 55 का आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, वेरी गुड, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, दिवस, याम, वासर, इसके क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची गलत, बाकी डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बताना है दोस्तों आपको, दिए गए युग्मों का सही अर्थ युग्म चुनिए, अर्थ युग्म चुनना है सही, चंट और चंड, अब यहां पर आपको अर्थ कैसे चुनना है, चंड का अर्थ क्या है, चंट का अर्थ क्या है और चंड का अर्थ क्या है, इनका सही अर्थ चुनना है 56 का। याम लिखा है वो, याम है ना, याम, ये याम लिखा है यहां पर इसलिए वो गलत है, चंट का चंड, चंट और चंड, तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा, चंट का अर्थ होता है दोस्तों चतुर और चंड का अर्थ होता है क्या, क्रोधी, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर। अगला देखो, छत्र और छत्र, छत्र छत्र, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, एक छत्र का आपका क्या हो जाएगा, छाता, दूसरे छत्र का क्या हो जाएगा, क्षत्रिय, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर बी है 57 का वो वी हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर, मनीषा जाटव जी, वेरी गुड, बी नंबर बिल्कुल सही है, नीरू तमताम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अशुद्ध वाक्य है, तो अशुद्ध कौन सा है, उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी, राम, सीता और लक्ष्मण वन को गए, या फिर राम, सीता, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं, तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है, फिफ्टी एट का आंसर, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि जो प्राण शब्द है ये आपका क्या हो जाए, उसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी, है ना, तो जो ए नंबर है आपका वो सही हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य कौन सा है, उसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी, तो ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा।
अगला देख लेते हैं, किए गए उपकार को ना मानने वाला, किए गए उपकार को ना मानने वाले के लिए क्या कहेंगे? के एम स्वीटी, क्या कहेंगे? व्याकरण की दृष्टि से क्या कहेंगे? कृतघ्न, कृतज्ञ, उपकृत या अपकृत? तो 59 का आंसर बताना है, किए गए उपकार को ना मानने वाले के लिए कृतघ्न, यानी कि जो ए नंबर है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर। जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? जिसके सिर पर चंद्र हो, एक रचना पढ़ते हैं दोस्तों हम, नीला चांद। नीला चांद पढ़ते हैं, और मैंने आपको याद करवाई थी कि जो नीला चांद रचना है वो शिव प्रसाद सितारिक शिव प्रसाद जी की है। ठीक है, नीला चांद शिव प्रसाद। तो चांद किसके? शंकर जी का आपने देखा होगा, सिर पर वो चांद रहता है इस प्रकार से, चांद। तो चांद मतलब शिव जी के चांद, तो वही है जिसके ऊपर चंद्र हो। 60 का आंसर बताना है हमें, तो उसे क्या कह देंगे? चंद्रशेखर, यानी बी नंबर। ठीक है, चंद्रशेखर जी भी हैं अपनी एक क्लास में, वेरी गुड। हरियाली है, तो हरियाली क्या है? जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक, भाववाचक या फिर विशेषण? तो हरियाली को क्या बोलेंगे हम? प्रश्न क्रमांक 61। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भाववाचक संज्ञा, यानी कि जो आपका सी नंबर है 61 का, वो सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर, भाववाचक संज्ञा सी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? शिशु, भक्ति, पुस्तक या प्राण? सीटीईटी का एग्जाम, खबर आई है कि पोस्टपोन हो गया है ना? तो कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? तो आपका उत्तर होगा डी, यानी कि प्राण। प्राण आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर। अगला बताना है, चैन की बंसी बजाने का अर्थ क्या है? चैन की बंसी बजाना, जुगल जी, अंकित श्रीवास, चैन की बंसी बजाना का अर्थ क्या होता है? साइकिल की चैन की वांसुरी बनाकर बजाना, मौज करना, फुर्सत में बंसी बजाना या फिर बेरोजगार होना? तो अनिल जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 64 का वी, यानी कि मौज करना, है ना? चैन की बंसी बजाना या नहीं, मौज करना बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन गलत सुमेलित है? अंगूठे पर मारना, परवाह न करना, कान काटना, मात करना, नजर करना, भेंट करना, नजर पर चढ़ना, आंख बचाना? तो इसमें कौन सा गलत सुमेलित है? रविंद्र कोहली जी, प्रश्न क्रमांक अपना 65, और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा 65 का? डी, ए गलत सुमेलित करना था हमें, डी नंबर सही। कान काटना, मात देना बिल्कुल सही है, अंगूठे पर मारना, परवाह न करना बिल्कुल सही है, नजर करना, भेंट करना ये भी सही है, नजर पर चढ़ना, आंख बचाना ये गलत हो जाएगा, यानी डी नंबर गलत हो जाएगा, है ना? निधि यादव जी, निधि जैन जी, डी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लो, प्रश्न में दी गई पंक्तियों में से प्रयुक्त रस सही भेद का चयन करना। रस, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक इब ब्रह्मांड उठावो, कांचे घट जिमीदारों फोरी, सकऊ मेरु मुंह सक जिमी तोरी, इसमें हमें रस बताना है। कौन सा रस है? चार विकल्प हैं आपके सामने, अद्भुत रस, शांत रस, वीर रस। कौन सा रस है? प्रश्न क्रमांक है आपका 66।
तो इसमें क्या आ रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा कि जैसे क्रोध है ना, तो रोद्रस इसमें हो जाएगा, रोद्रस। ठीक है, रोद्रस। आकाश जी, अपना जो एमपीटेट का एग्जाम है, अभी तक जो आपकी डेट है वो सितंबर दी गई है, ठीक है, कैलेंडर में। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। इसकी हमें बताना है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। कौन सा अलंकार है? प्रश्न क्रमांक 67 का आंसर बताना है। तो 67 का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि यार ये तो आपको लग रहा होगा कि या अनुरागी चित्त की गति समझो नहीं कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो रहा है, यहां पर मतलब ऐसा नहीं है, ये तो विरोधाभास है। तो विरोधाभास अलंकार ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, विरोधाभास। अगला बताना है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वर्णौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारी। पंक्तियों में छंद बताना है, छंद आप लोग पढ़ते होंगे है ना, छंद की मैंने ट्रिक बताई है, छंद को अच्छे से पढ़ना है। एमपीएसआई की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए छंद पूछे जाते हैं है ना, छंद को मैंने बताया है कैसे छंद को याद रख लेना है, बताया है कैसे मात्राओं को गिनना है, किस शब्द में कितनी मात्रा है, ये छंद की ट्रिक के माध्यम से मैंने वीडियो बनाकर आपको दिया है। और प्रश्न क्रमांक 68 का आपका हो जाएगा दोस्तों सी, दोहा है ना, श्री गुरु चरण रज निज मन मुकुर सुधारी वर्णो रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचार, यानी कि आपका दोहा बिल्कुल सही हो जाएगा। महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? महाभोज उपन्यास बताना है दोस्तों। अब एक चीज बताना कि मैंने हिंदी साहित्य वालों को याद करवाया था कि जहां पर भंडारा होता है, भंडारा उसे क्या बोलते हैं है ना, कुछ लोग बोलते थे तो महाभोज है, ये क्या है, महाभोज है। तो महाभोज क्या हो जाएगा, महाभोज यानी मन्नू भंडारी है ना, भंडारा भंडारा भंडारा, और जहां भंडारा हो रहा है वो क्या हो जाएगा, महाभोज हो जाएगा। तो महाभोज उपन्यास भंडारी जी का है, मन्नू भंडारी जी का। लालटीन की छत भी आपको बतानी है, किसका उपन्यास है लालटीन की छत, कमलेश्वर धर्मवीर भारती निर्मल वर्मा या कृष्णा सोपती। तो लालटीन की छत 70 का उत्तर बताना है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, लालटीन की छत। एमपीएसआई में रचनाएं भी पूछी जाती है ना, तो निर्मल वर्मा की हो जाएगी, निर्मल वर्मा। लालटीन की छत है, अगर आप धूप में खड़े हो धूप में और आपके ऊपर यहां पर लालटीन की छत बना दी जाए इस प्रकार से, तो आपको बड़ी निर्मलता मिलेगी, बोलोगे सर बहुत अच्छा कार्य किया आपने, लालटीन की छत मिला दी, बड़ी निर्मलता मिल रही है। तो निर्मल वर्मा सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा है ना, तो सी नंबर आपका सही है। और यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन हैं उनको ब्राम देते हैं, खत्म करते हैं है ना। यहाँ से बता देना, राजनीतिक दल लोकतंत्र की अस्पताल, ये तो पद्यांश गद्यांश के कुछ क्वेश्चन हैं ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन हैं वो खत्म होते हैं। अलका जी, मंजुला, एसके जी, मनीषा जाटव जी, हिंदी व्याकरण सभी लोगों की बहुत अच्छी चल रही है। देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ, संधि का वीडियो मैंने ट्रिक से आपको दिया है, अलंकार का वीडियो ट्रिक से दिया है, छंद का वीडियो भी ट्रिक से दिया है ना। ये सारे के सारे वीडियो अगर आपने नहीं देखे हिंदी वाले तो देख लेना, क्योंकि हिंदी वालों के लिए मेन चीज यही होती है, लोगों से संधि नहीं बनती, लोगों से अलंकार नहीं बनता, छंद नहीं बनता है ना, और बाकी तो सब बन जाते हैं। निधि जी, अलका जी, प्रियंका जी, रविंद्र जी, KBS एग्जाम वाले, नेट वाले, PGT वाले है ना, जो भी हिंदी साहित्य पढ़ना चाहते हैं, 9 बजे से क्लास होगी, हिंदी साहित्य को बड़े मजे से पढ़ते हैं अपन, साहित्य में जो मजा है वो कुछ में नहीं है, है ना। किशन जी, प्रियंका जी, ठीक है, चंद्रशेखर लोधी जी, निरंतर प्रैक्टिस करो, निरंतर प्रैक्टिस अगर कर रहे हो आप है ना, और रोज क्या लगा रहे हो, निधि जी, जय जिनेन्द्र, SK जी, प्रियंका जी, ज्योति जी, दीपश्री जी, बहुत बढ़िया। तो इसी प्रकार से रोज आपकी, हाँ, SG, रीनू जी, जुगल जी,
इसी प्रकार से रोज 8 बजे आपकी क्लास होगी हिंदी की, और हिंदी का अभ्यास हम निरंतर करेंगे, ठीक है, और हिंदी पढ़ते रहेंगे, ठीक है। और हिंदी साहित्य तो शाम को 6:30 बजे एमपी टेट वाले 6 वाली कोचिंग का नोटिफिकेशन नहीं मिला था, ऑल इन वन अंकित जी, और जो भी ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं। माही जी, ग्रुप से जुड़ना है आपको, सर्च कर लेना है यहाँ पर 9098609291, इस पर आपको मैसेज सेंड कर देना, आपको लिंक मिल जाएगी एमपी टेट वालों की, हिंदी साहित्य वालों की, है ना, और बहुत अपना जो जेल प्रहरी है उसकी, तो सभी के लिए है हिंदी, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे जेल प्रहरी एग्ज़ाम हो, चाहे एमपी टेट एग्ज़ाम हो, चाहे एमपी एसआई हो या एमपी पुलिस हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और चाहे नेट हो चाहे पीजीटी हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है, सबकी एक सी हिंदी है, तो हिंदी की क्लास अपनी ये सामूहिक रूप से होती है ना। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।